बिहार में एनडीए के सहयोगियों के बीच रूठने मनाने का दौर जारी है। अभी पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने गए थे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बीजेपी से रूठ गई है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर रालोसपा ने साफ कर दिया है कि हमें जेडीयू से ज्यादा तवज्जो चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने बीजेपी के सामने ऐसी मांग रख दी है जो उसके लिए बड़ी परेशानी बन गई है। क्या बिहार में चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगी? क्या सीटों का बंटवारा बनेगा गठबंधन में टूट की वजह? क्या उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान होंगे महागठबंधन में शामिल? बिहार में एनडीए के साथियों में जिस तरह से सीटों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके बाद सियासी गलियारों में यही सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी सीटों को लेकर बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। रालोसपा ने साफ कर दिया है कि हमें जदयू की तुलना में अधिक सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 सालों में हमारा जनाधार मजबूत हुआ है। इतना ही नहीं, एक बड़ी मांग उठाकर रालोसपा ने बीजेपी की परेशानी और बढ़ा दी है। आरएलएसपी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जितेंद्र नाथ ने कहा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के भविष्य हैं। अभी वक्त है उन्हें बिहार में एनडीए का चेहरा बनाया जाना चाहिए, उन्हें नीतीश कुमार से ऊपर रखा जाना चाहिए। पिछले 12 सालों में नीतीश कुमार सबसे बड़े गैर यादव ओबीसी नेता रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े सामाजिक समूह से आते हैं जिसमें ओबीसी कोयरी कुर्मी और ईबीसी धनुक लगभग 20% वोट शेयर है, इसीलिए उन्हें तवज्जो दी जाए। अभी तक बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी में ही बड़े और छोटे भाई की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी कूद पड़े हैं। सीटों के संग्राम के साथ साथ बड़े और छोटे भाई की लड़ाई ने एनडीए की परेशानी और बढ़ा दी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।